महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कारखाने में सुबह आग लग गई। नारकोली के चंदन पार्क में एक टेक्सटाइल कारखाने में ये आग लगी। कपड़ों के कारण ये आग तेजी से फैली, जिसे बुझाने में दमकल विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग लगने के बाद देर तक काले धुएं के बादल भिवंडी के आसमान में उड़ते रहे। थोड़ी देर में ही आग की लपटों ने रौद्र रूप ले लिया। माना जा रहा है कि इस आग में लाखों का सामान खाक हो गया होगा। आग किस कारण से लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। आग दूसरे इलाकों में ना फैले, इसके लिए गोदाम को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। भिवंडी में पिछले महीने भी आग लगी थी। केमिकल गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जल गया था।